जय माता दी। और आज है पूर्णिमा, और देखो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है मेरा व्रत और मेरे घर चल रहा है काम, तो इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, क्योंकि काम में नहीं पहनी जाती। और देखो भैया कर रहे हैं हमारे रसोई में पेंट। अब हमारा शाम का खाना कैसे बनेगा पता नहीं, आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाऊंगी मैं खाना। बड़ा मुश्किल हो जाता है, रसोई अगर इधर उधर फैल जाए तो बहुत मुश्किल से होता है काम। और देखो मेरी काव्या कितनी क्यूट है, और देखो आलू छील गई है और इसे खाने हैं सैंडविच। देखो प्यारा बच्चा मेरा सैंडविच खाएगा, काफी सैंडविच खा रहा है। और काव्या को कहा मैंने, मेरे बच्चे मेरी लड़कियां कितने प्यारी है, मेरा बच्चा भी मेरा आगे भी कल रसोई साफ करवाई इसने। और काव्या से कहा मैंने, काव्या मैं पूजा करके आती हूँ, तू आलू छील। और मेरा क्यूट सा बच्चा काम कर रहा है, और अब मैं चलती हूँ पूजा करने। और देखो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और देखो मैं बना रही हूँ फिर से सुबह में चाय, क्योंकि भैया भी लग रहा है काम पे, और ऐसे में ही करना पड़ रहा है मुझे काम, क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं सैंडविच। और बच्चे तो बस जिद कर गए हैं उस चीज की, उनको पता ही नहीं होता हमें क्या, तो बनाना पड़ रहा है सैंडविच इन लोगों के लिए। और देखो ऐसे ही बना रही हूँ, और भैया ऊपर कर रहे हैं काम। और देखो मैं बना रही हूँ सैंडविच, आप ही खा लीजिए। और बच्चे मानते नहीं है, देखो रसोई में काम चल रहा है और इधर बना रही हूँ मैं सैंडविच। और काव्या जा रही है भगवान जी का भोग लगाने, और देखो काव्या लगाया है भोग भगवान जी का, अब काव्या खाएगी। भैया आप भी पी लो चाय। और देखो पूर्णिमा का व्रत सब रहते हैं, और कैसे कैसे रहते हैं देखो, मैं तो कई लोग निर्जला रहते हैं, और मैं थोड़ी चाय वाय पी लेती हूँ, और कई अभी दे रही हूँ पानी अभी दे, और सब लोग निर्जला रहते हैं, ज्यादातर निर्जला रहते हैं, लेकिन मैं तो पानी वानी पी लेती हूँ। इसमें जैसे जिसपे भाव जिसके हो जाए वो ऐसे ही करने चाहिए, जिसपे जैसे रहा जाए उस तरीके से रहना चाहिए। और देखते हैं आज खाना कैसे बनाते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ पूरी सब्जी और खीर जरूर बनती है आज के दिन। और नहीं बेटा छोले नहीं बना पाऊंगी, आज तो बहुत काम है, देख आज पहला बड़ा छोले कहाँ से बना दूंगी, आज तो सिंपल ही खाना बनेगा, पूरी सब्जी और खीर है ना। और काव्या को तो पूरी वैसे भी पसंद है, और देखो मेरी काव्या खा रही है मटक मटक के सैंडविच, और इन बच्चों के फेवरेट है सैंडविच। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सैंडविच बनते हैं, और मेरा बंजर सा भी सैंडविच खाता है। और ले आप ये ले ले, थोड़ा सा और ले ले, ले आऊंगी चाय लाऊंगी मैं बच्चे के लिए। और देखो अब मैं मिलूंगी शाम को, तो खाना वाना बनाते हुए दिखाऊंगी मैं आपको, और कैसे बनाऊंगी किस तरीके से बना पाऊंगी, क्योंकि मेरी रसोई है पहली, और बड़ी मुश्किलों से बनेगा आज खाना। खाना रात्रि मैंने ऐसे ही करके बनाया था, और देखो सारी रसोई आप देख सकते हो, और सामान ढूंढना पड़ता है सब कुछ, और कुछ तो मैंने कमरे में भी डाल दिया है सामान, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, रसोई का इतना सामान हो जाता है, इतना और किसी का नहीं होता जितना रसोई में, और रसोई होती है छोटी सी, लेकिन सामान बहुत निकलता है। और देखो इस कमरे में भी देखो सारे बर्तन भाड़े पड़े हैं, सारे पड़े हैं, अब इस कमरे में से ही लेके जाएंगे, और डब्बे वब्बे भी साफ करने हैं। और मिलती हूँ मैं शाम को। हेलो गाइस, और देखो मैं रसोई में आ गई हूँ, और है शाम का टाइम, और मेरी रसोई फैली पड़ी थी इस वजह से, और अब मैंने दूध का पैकेट खोल लिया है और काट के डाल देती हूँ, और बनानी है मुझे खीर। और खीर तो इसमें पूर्णिमा में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जैसे चांदनी की जो उजाला होता है उसमें रखी जाती है और सुबह खाई जाती है, और दूध बनाना बहुत वो खीर बनाना सॉरी कंपलसरी होता है इसमें। और
पता नहीं और लोगों के कैसे होता है, लेकिन हमारे तो ऐसे ही होता है। और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर की रसोई को आप देख सकते हो, और भैया उधर काम कर रहे हैं, फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ रसोई में। और डाल देती हूँ तेल, और आज मैं सिर्फ बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी और खीर और पूड़ी, और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और देखो सब्जी छोंक देती हूँ, वही बेसिक मसाले, हींग, जीरा, हल्दी, धनिया वगैरह सब होता है, वही होता है। और काम इतना फैल जाता है कि बस पूरी रसोई फैली पड़ी है। और देखो टमाटर और हरी मिर्च और अदरक मैंने इसमें काट के डाल दिया। मिर्ची मुझे रखने का कहीं जगह ही नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने पीसा भी नहीं। और डाल देती हूँ नमक, और थोड़ी सी ही सब्जी बनाऊंगी। आलू वालू मैंने पहले ही छील के रख लिए थे सारे, क्योंकि भैया कर रहे हैं रसोई में काम, तो इस वजह से मैंने पहले ही सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और देखो इधर उबल रहा है मेरा दूध, और देखो मैंने छोंक दी नहीं, मैंने टमाटर ना गल जाएंगे इसलिए कुकर का ढक्कन लगा दिया, क्योंकि फिर टमाटर दिखते हैं तो मेरी काव्या नहीं खाती। और देखो चावल धो लूँगी मैं, इनको वॉश कर लूँगी, खीर के चावल हैं ये, और पहले ही गला दिए थे मैंने, इसलिए कई बार वॉश करके तभी डालूँगी इनको। और खीर हमारे आपने देखा होगा हर चीज़ में खीर बनती है, और वैसे खीर तो। और देखो डाल दूँगी आलू मैंने सारे छील लिए, इसलिए आलू वगैरह मैं सारे डाल दूँगी, और थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और आज है मेरा फास्ट, और कई लोग तो इसे निर्जला भी रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहती, मैं तो चाय वाय पी लेती हूँ। और डाल दूँगी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से थोड़ा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और डाल दूँगी गरम मसाला, और देखो और डाल दिए मैंने चावल भी डाल दूँगी, क्योंकि चावल अलग होती रहेगी, धीरे धीरे खीर भी और सब्ज़ी भी बन जाएगी उधर मेरी। और देखो मैं आई हूँ इधर वाले कमरे में आटा गूंदने, क्योंकि यहीं पे है मेरा आटा वाटा, और गूंद लूँगी। देखो कैसा फैला पड़ा है, आप समझ सकते हो मैंने कितनी मुसीबतों से बनाया है खाना। और देखो बच्चे आ गए और बच्चे जा रहे हैं अपना, और देखो गूंद रही हूँ मैं आटा। और फैले हुए घर में बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, आप समझ सकते हो। और देखो आटा गूंद गया मेरा, और इधर रसोई में आ गई हूँ मैं आटा लेके, और देखो मेरी खीर बन रही है, खीर भी देखो उबल रही है। और अभी हुई नहीं है, अभी चावल अलग हैं, दूध अलग है, अभी हुई नहीं है, अभी देर लगेगी थोड़ा, खीर बनने में टाइम लगता है। और देखो मेरी बन गई सब्ज़ी, और आज सब्ज़ी में इतना तेल है मेरी में, आज वो ये है कि ऐसे हो जाता है कई बार, तेल ज़्यादा दिख रहा है ऊपर से, देखो आप देख भी रहे होंगे, आज सब्ज़ी में मेरे में तेल है बहुत ज़्यादा। और देखो मैं डाल दूँगी चीनी मैंने साफ़ कर ली है, और देख लिया है कुछ है तो नहीं। और डाल दूँगी इलायची पाउडर डाल दूँगी खीर में, और ये मेरा फेवरेट है इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर खीर में डालो बहुत अच्छा लगता है। और देखो इधर हेलो गाइस, और देखो मैं आ गई, पूजा कर ली मैंने, और देखो मैंने बना लिए दिए, और 5 दिए बना लिए हैं मैंने, और तुलसा माँ और चंद्रमा जी पे दीपक जलाएंगे हम, और अर्घ दे के आएंगे उनको। और शाम का टाइम हो गया, आज मुझे हो गया लेट थोड़ा सा, चंदा मामा पहले ही निकल आए थे, लेकिन घर में काम हो रहा है तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई। और मैंने घर की पूजा कर ली है, अब जाती हूँ चंदा मामा पे अर्घ देने और तुलसा जी माँ पे, और 5 दीपक बनाए हैं मैंने और जलाऊंगी मैं। और जला दूंगी तुलसा मैया पे दीपक, आज माता रानी का दिन है। और देखो मैंने जीत दीपक जला दिए, अब चंदा मामा पे ले जाती हूँ और अब दूंगी मैं वहां पे, और चंदा मामा को दे देंगे हमारा। और
लगा लेंगे हम फेरी। और देखो सेक लूंगी मैं पूरी, और पूरी देखो मेरी सिक रही है। और देखो मेरे आ रही है कितनी पुली पुली पूड़ियां, और आज मैं हो गई लेट, और देखो हम बन गई मेरी पूड़ियां, और गाय के लिए मैंने निकाल दी। और आजकल ऐसे ही देर से हो रही है, लेट से हो रहा है मेरे को काम। और देखो मैंने कितनी मुसीबतों से खाना बनाया है आज। और देखो मैं अकेली हूँ तो मैंने लोइयां बना के रख ली, और देखो पूड़ी भी बेल के रख लेती हूँ क्योंकि सेकते जाते हैं जल्दी जल्दी। और देखो हमारे निकलता है परोसा, मैं परोसा देके आऊंगी पड़ोस वाली दीदी के यहाँ, और गाय के लिए भी दे आऊंगी उनके यहाँ। और मैंने आज इतना कुछ बनाया नहीं है, थोड़ा सा ही बनाया है आज, आलू टमाटर की सब्जी और पूरी और खीर ही बनाई मैंने। और देखो मैंने पहनी ली साड़ी, मैं सोच रही थी नहीं बनूंगी लेकिन पूजा पाठ में साड़ी ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। और जब तक पूजा पाठ होती है तब तक साड़ी पहनना अच्छा लगता है सब लेडीजों को, और अच्छा भी लगता है साड़ी पहनना। और मैं दे आती हूँ परोसा दीदी के यहाँ, और घर की भी रोटी देके आऊंगी। और देखो हो गई मेरी पूजा, और चंद्रमा को भी अरग वरग सब दे आई, और देखो खाना भी दे आई, और परोसा निकलता है हमारे यहाँ पूर्णिमा को, सबके ही निकलता है, और अलग अलग तरीके से सबके यहाँ होती है पूजा, किसी के यहाँ कैसे। मैंने आज जलाए 5 दीपक क्योंकि आज से ही त्योहार की स्टार्टिंग सी हो जाती है क्योंकि आज। और देखो मेरे मंदिर की भी पूजा वूजा हो गई सारी, भोग भी लगा दिया मैंने। और आप लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके दीपावली सबके लिए बहुत खुशियां लाए, और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे तोहफे लेके आए। और अब आएगी करवा चौथ, और उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोगों को पहले से। और अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। जय माता दी।